आज बुंदेली दर्पण की टीम छतरपुर जिले में पहुंची है वोटर को लेकर। अच्छा, कौन कर रहा है आपकी नजर में? विधायक जी है। विधायक जी अच्छा कर रहे हैं, भाजपा या कांग्रेस? ये नहीं डिसाइड है, नहीं तो रही है, लेकिन घोटाला दिख रहा है आप, नकारी नहीं नकारी बात बड़ा देश में तो बदलाव हो गया हुई है। सही बात है, भाने जे नहीं के संगे ऐसा व्यवहार को भंजन तो दे रहे हैं, भंजन को थोड़ी दे रहे हैं। चुनाव नजदीक आ जाते हैं तब क्यों करवाते हैं एग्जाम? तब भर्ती निकालते, क्यों निकालते लास्ट में? बारी में अभी एक घर से 7 लोग निकले हैं, उनसे 15-15 लाख रुपए लिया है। मैं उससे पूछा गया इतने जिले कितने हैं, तो उसको जिले वो मेरे को है डीचेस वो है जी का साल नहीं कर कर्मचारी रिटायर होते क्या? वे हार जाते हैं तो विधायक खरीदने में पैसा लगाते हैं, किसी की सरकार तोड़ लेते हैं। अब जो जनता है इन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाएगी। अच्छा, तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नहीं बना पा रहे, इलेक्शन के पहले घोषणाएं होती है बाद में भूल जाते हैं सब। बिल्कुल दिया था। कितने आए थे नंबर? 137 नंबर। बन गए पटवारी? पहुंच गए। कहां पहुंच गए भाई? सरकार के पास नौकरी लेने के लिए दिव्यांग तक बन गए बेचारे। जो दिव्यांग असली में दिव्यांग है वो बेचारे भोपाल के सामने डीपीआई के सामने धरना दे रहा है। अच्छा, इसके बाद एक चोर है तो कोई महाचोर है। मोदी जी ने अच्छा काम किया है, 5 साल से जो है मेडिकल कॉलेज का केवल और केवल बोर्ड लगा हुआ है। बढ़िया। छतरपुर सभी नेता अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं, कैसी कितनी हजारों मौतों के जिम्मेदार है विधायक जी ने। अपन देख रहे हैं ये स्टेडियम में कितनी सारी लाइटें जल रही है, जो बच्चे प्रैक्टिस करने आ रहे हैं सीधी तो बता रहे हैं, ये देख नहीं रहा हम बनी बनाई रोडो पे रोड डल गई। चाचा को पूरे नंबर है रोडना बनवाने के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो 12वीं पास उनके लिए 8,500 रुपए का कोठा नंबर रहा। सप्ताह में नहीं रहे, कुछ दिन रहे, सरकार बदल गई तो कहां नहीं बताया कि राजधानी कितनी है, केंद्र कितने हैं, जिले कितने हैं, बताओ ये कौन सी धांधली चल रही है। ऐसा होगा सरकार नहीं आएगी, भाजपा की ऊंचा कांग्रेस सबसे सुन रहे हैं नहीं कहा कि हमारे यहाँ का नेता अच्छा है। चाचा ने रसोई जनता के लिए 1 रुपए में पेट भर खाना काम बीजेपी ने किया है, इतना नहीं कर पाया कोई नहीं, इसलिए दाग जी का काम कम रहा थोड़ी। जे गुनी के देख के गुड्डू राजान ने खाना खोल दिया बीजेपी का, वो 1 रुपए लेते हैं, जेल ने फ्री कर दिया। अब जे बताइए आप नंबर लिख रहे हैं, जब खाना खिलाना आपको तो नंबर क्या लिखना है? ये बीजेपी अभी एक बार और ठीक कहूंगा कि मामा जी और छात्रों के भविष्य के साथ खेलना देश सबसे बड़ा पाप। अयोग्य व्यक्ति को यदि आप पद पे बैठाते हैं तो जब तक वो रहेगा आजीवन अयोग्य सर्विस देगा। अब उनकी सरकार नहीं है तो ये जरूर कह सकते हैं कि उतना विकास नहीं हुआ। विधायक जी ने काम कैसे करा है? वो नहीं प्रसन्न बिल्कुल भी नहीं है। सटाई में स्टेडियम बनने की बात हुई थी, हाँ। वो भी नहीं बनाया। हमें स्कूलें मिलती है सरकार द्वारा, हाँ। तो ये कॉलेज वाले खा रहे थे, योजना बनाई जो उसने, हाँ। उसमें सबसे बड़ा घोटाला मम्मा के पुलाव है चुनावी। सबसे भ्रष्टाचार उच्च लेवल पर खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक व्यास आपका स्वागत करता हूँ। आज बुंदेली दर्पण की टीम छतरपुर जिले में पहुंची है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में विधानसभा का रुझान कैसा है और चुनावी समीकरण क्या कहता है और जनता की राय क्या कहती है, इस मुद्दे को लेकर के बुंदेली दर्पण की टीम आई है। कहता है वोटर को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के जनता की क्या राय है, वो क्या सोचते हैं अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर के, आइए जानते हैं जनता के विचार। बुंदेली दर्पण की टीम आ पहुंची है छतरपुर के स्टेडियम के अंदर। स्टेडियम के अंदर हमने देखा कि शहर के तमाम बच्चे तमाम छात्र तैयारियां कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोई पुलिस की, कोई एसआई की, कोई आर्मी की, कोई खेल कूद की, नई नई प्रथम उन लोगों से बातचीत करते हैं, वो किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो भैया आप लोग यहाँ पे? एमपी पुलिस की तैयारी। एमपी पुलिस की तैयारी, फिजिकल की तैयारी। कब से नहीं आई भैया वैकेंसी? पिछले बार 2022 में आई थी, हाँ। इस बार भी आ गई 23 में आ रही वैकेंसी, हाँ। इस बार तैयारी कैसी है? बढ़िया है। बढ़िया तैयारी है, कैसी कर रही है अपने यहाँ की विधानसभा की विधायक की काम काज? बढ़िया चल रही है। चुनाव भी आने वाला, हाँ, है। चुनाव आने वाला है, चुनाव की तैयारियाँ कैसी है? वो भी बढ़िया है। बढ़िया है, हाँ। इस बार किसको जीतना है? अच्छा करने वाले को तो जीताना ही है। अच्छा कौन कर रहा है आपकी नजर में? विधायक जी है। विधायक जी अच्छा कर रहे हैं। विधायक जी कौन है अपने यहाँ के? आलोक चतुर्वेदी जी, कुलदीप पटेल। फिजिकल की तैयारी कर रहे थे? एमपी पुलिस की। ऐसा, और विधायक जी की तैयारी कामकाज से खुश हो? जी सर। चुनाव के हिसाब से क्या लगता है, भाजपा या कांग्रेस? ये नहीं डिसाइड है। नहीं, क्या नाम है भैया आपका? रमन रछारिया। क्या कर रहे हो भैया? बस पढ़ाई कर रहे, कॉम्पिटिशन की तैयारी। कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। सरकार नौकरियां निकाल रही, नहीं निकाल रही? निकाल तो रही है, लेकिन घोटाला दिख रहा है आप, नकारी नहीं नकारी बात बराबर है। ऐसा, हाँ। कौन सा घोटाला अभी आ गया आपके सामने? देख रहे हैं पटवारी वाला, देख रहे हैं कॉलेज में 10-10 टॉपर निकल रहे हैं, एक ही घर के 6-6 सदस्य।
सही बात है। बताओ कहाँ तक नौकरी न कर रही लेकिन कोई काम की नहीं है, तो ये बार मतलब अब लेकिन अपन तो प्रयास कर रहे हैं बराबर, उम्मीद ही है, उम्मीद ही है, सरकार जो कर रही है तो कर ही रही है और ऐसे ही है। तुम्हारे हिसाब से क्या लगा की बननी चाहिए ये बार सरकार? इस बार तो बदलाव हुई है और हुई है बिल्कुल 100% बिल्कुल। और विधायक जी के काम काज से? विधायक जी के अब काम इतने को भैया छतरपुर विधानसभा में क्या लगा? विधायक जी काम बढ़िया है, रसोई देखो बराबर चली है, चाहे कोरोना काल हो चाहे कछु हो, हाँ। बराबर खाना मिलो है, हाँ। जो नहीं है क्या आप इतनी की विधानसभा के आओ तो आपके लाने खाना उपलब्ध है, हाँ। अगर विधानसभा के भी हो तब भी खा रहे हैं। अब तो अर्चना गुड्डू सिंह भी वो करने लगे, चालू करी है उनको भी अच्छा प्रयास है, करना भी चाहिए, अच्छी समाज सेवा है वो तो बिना विधायक के भी कर रहे हैं, अभी बहुत अच्छी बात है। फिर को जीते चाहिए जो तो भाई सब जनता पे निर्भर कर सका, जनता ही तो है आप, आपका आपके हिसाब से कोई हम तो मध्य प्रदेश की बता सका थे, मध्य प्रदेश में तो बदलाव हुई है आपकी बात हुई है, तय है एकदम बिल्कुल तय है, विधानसभा की नहीं कह सकल लेकिन मध्य प्रदेश में तो बदलाव हुआ बिल्कुल तय बात है, तय बात। ऐसी कौन 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 सी बुराई कर दी शिवराज ने, कौन कौन से काम से आप ना खुश हैं? नहीं कहा है कि मम्मा के काम से बुराई नहीं है, उन्होंने वैकेंसी निकाली, लेकिन निष्पक्ष तरीका से पेपर हो गए तो कोनो बुराई नहीं है, अब बच्चने के संग भानेज नहीं के संग ऐसा व्यवहार हो रहा, नहीं तो लाडली बहना में भी पैसा भी तो दे रहे हैं, पैसा दे रहे बाबा अलग है, बहनन को दे रहे हैं भांजन को नहीं दे रहे, हम उनको तो भाई जब लाडली बहना से मतलब नहीं, हम उनको तो जो है कि पढ़ा रहे बताई बाप, हाँ। और वैकेंसी के हम उनको तो रोजगार चाहने ऐसा, रोजगार के मामले में सरकार फिर से अबे तो फिलहाल में फिर से फिर से ठीक, वो बाद में क्या कह रहे भैया, बाद में आते हैं उसकी वैकेंसी है जो, हाँ। वो बाद में देते हैं चुनाव के टाइम में ताकि उन्हें बेचा जा सके उन्हीं पैसों से, बाद में दोबारा सरकार बनाई जा सके ऐसा ऐसा भाई, लास्ट में क्यों करवाते हो एग्जाम? हाँ। जब चुनाव का अंतिम चुनाव नजदीक आ जाते हैं तब क्यों करवाते हो एग्जाम? तब भर्ती निकालते हो, क्यों निकालते हो बताओ? यही कंटिन्यू निकालो ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट में तुम लास्ट में निकाले बस वही पैसा, 15 लाख में एक सीट, 20 लाख में SI और 10 लाख में पुलिस कांस्टेबल, पटवारी का देखा नहीं है? वही बता रहा हूँ, क्या कह रहे भैया? वही है, बोलो बोलो भैया बताओ। पटवारी में अभी एक घर से 7 लोग निकले हैं, उनसे 15-15 लाख रुपए लिया है सरकार, जब सीट उनकी फिक्स हो गई, लड़की ने एक्सेप्ट किया है ना, सामने आके बोला है कि हाँ यदि आपको कोई ऑफर देता 15 लाख का तो आप नहीं करते क्या? जो निकली उन्होंने एक्सेप्ट किया है इस बात को। मेरे देश में कितने जिले मधुलता उस और जो हाँ तीसरे रैंक में उससे पूछा गया कितने जिले कितने हैं, तो उसको जिले वो मेरे को हेजिटेशन होगा मैं नहीं बता पाऊंगी, एक व्यक्ति तुमसे पूछ रहा है उसका जवाब नहीं, तुम पेपर में कैसे हो अपना वो हल्का लेते डिप्रेशन, सही बात, जो कि टॉपर थर्ड रैंक में आ रहे हो भाई, थर्ड रैंक वाला बंदा ऐसा थोड़ी होता है कि उसको जिले मालूम नहीं है, संभाग पता नहीं है, वो तो यदि थर्ड रैंक में तो ये जैसे पूछा गया था कि मतलब नर्मदापुरम जिले में कौन सा संभाग कौन सा जिला आता है, तो वो तो पूरा ये बता देती कि आप मैं जिले बताए दे रहा हूँ दे रही हूँ नर्मदापुरम संभाग के, आप जो आ रहा हो उसको कर लेना बाकी हटा लेना, यदि वो थर्ड रैंक की है, यदि उसने मेहनत की है उसको जिले पता नहीं है संभाग पता नहीं है, कुछ देना पता नहीं है, बताओ आप सही कह रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य में रह रहे एक बिना कंपटीशन की तैयारी करने वालों भी बच्चा हुए जो पता रहते हैं वो हर साल निकालो ना, हर साल नहीं कर्मचारी रिटायर होते क्या? यदि वैकेंसी बेचनी ना होती तो हर साल आनी चाहिए वैकेंसी, क्यों उसको पंचवर्षीय योजना की तरह बस लास्ट में एकदम, भाई बिजनेस चल रहा है सब बेच बाच के अपना, उसी से चुनाव लड़े, हार गए तो कोई बात नहीं है, आगामी सरकार देखेगी, आगामी सरकार जीत गए तो खुद बने हुए फिर उसको पांच वर्षीय हार, और यदि हार भी गए तो जो पैसा कलेक्ट किया गया है उससे विधायक खरीद के दोबारा सरकार बना ली जाएगी, पेपरों का पैसा होता है ना बच्चों से लेकर 15-15 लाख, पहले नाम बताओ आप, मेरा नाम अरविंद यादव है, मैं भी तैयारी करता हूँ, जो बच्चों का पैसा होता है 15-15 लाख की तैयारी कर रहे हो? अभी तो कॉन्स्टेबल की कर रहे हैं, पेपर दिया था मैंने पटवारी, अच्छा। मेरे 116 नंबर आए थे, अच्छा जी, जो पेपर खरीद के 15-15 लाख लोग
इकट्ठा करते हैं, वे हार जाते हैं तो विधायक खरीदने में पैसा लगाते हैं, किसी की सरकार तोड़ लेते हैं, महाराष्ट्र में सर किसी की पार्टी तोड़ लेते हैं, इन्होंने दो दो पार्टी तोड़ी है, इतने लेवल का भ्रष्टाचार करते हैं लोग। और एनसीपी अभी तो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं ना, दो पार्टी शिवसेना तोड़ दी करंट में, और एनसीपी अभी आप देख लीजिए दो तीन दिन पहले, ये पैसा यहाँ लगाते हैं, बताओ बच्चों का पैसा जो कमाई का है वही भ्रष्टाचार और पार्टी तोड़ने में अपना कुनबा बढ़ाने में लगा रहे हैं ये लोग। ये अब जो जनता है इन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाएगी। अच्छा तुम्हारे हिसाब से अच्छा मैं एक बात बताओ जी, अभी अपने यहाँ पे कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव जी, जी। विधानसभा चुनाव में अपने शहर में कौन से ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता परेशान है? सर शहर के भी मुद्दे हैं और सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। आज किसी भी शहर में आप देख लीजिए, स्टूडेंट हो चाहे युवा हो, बहुत बेरोजगारी लेवल बढ़ चुका है एमपी में बहुत ज्यादा। अच्छा मामा जी ने यहाँ पे आकर घोषणा भी तो की थी यूनिवर्सिटी का। सर यूनिवर्सिटी सर ये अभी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का कितने सालों से हम लोग सुन रहे हैं, आज तक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नहीं बना पा रहे जी लोग, ये क्या करेंगे यूनिवर्सिटी बना, ना मेडिकल कॉलेज बना है आज तक छतरपुर में, बस घोषणाएं होती हैं, घोषणाएं इलेक्शन के पहले घोषणाएं होती है, बाद में भूल जाते हैं सब। मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने बोला कि हमने जमीन आवंटित कर दी है जी, अब आप कह रहे हो कि मेडिकल कॉलेज नहीं बना है जी, नहीं बन रहा है, काफी समय से घोषणा कर देते हैं। जमीनी स्तर पर आपको स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के आपको क्या लगता है कि जो अपने शहर की जो जिला अस्पताल है वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं? सर बहुत भ्रष्टाचार है हर लेवल में। आप सर शिक्षा के क्षेत्र में देखिए सर, जो इतने बड़े माफिया बैठे हैं, आप नौकरी छोड़ दीजिए सर, जो बीएड होती है ना इसमें 80-80 हजार रुपए बच्चों से वसूल रहे हैं, और इनका ये गैंग बन चुका है माफियों का कि आप यहाँ एडमिशन नहीं लोगे, दूसरी जगह एडमिशन लोगे, लेकिन तुम्हें 80,000 ही रुपए लगेंगे हर लेवल पर, और ये सब कमीशन नेताओं के पास जा रही है यहाँ की। नेताओं के पास जी? कौन नेताओं के पास जा रही है सर? अब जो गवर्नमेंट सरकार में होगी उन्हीं के पास जाएगी ना, मौजूदा सरकार में कौन से नेता के पास जा रही है? आप भूल तो रहे हो, सब नेताओं के पास जाते, जो लोकल नेता से लेकर बड़े बड़े नेता है सबके पास कमीशन जाता है सर। अच्छा आप बताइए भैया, क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम अमित शुक्ला है। अमित शुक्ला? अमित शुक्ला जी। आप क्या अभी तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल तैयारी। काहे की तैयारी कर रहे हो भैया? सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी हो रही है। अच्छा अभी पटवारी का पेपर दिया था? बिल्कुल दिया था। कितने आए थे नंबर? मेरे 137 नंबर। 137 नंबर बन गए पटवारी? नहीं बन पाए। नहीं बन पाए, काहे भैया? पैसे पहुंच गए, कहां पहुंच गए भैया? सरकार के पास पैसे पहुंच गए, हम रह गए। हम लोगों ने सोचा था 135-140 तक लिस्ट गिरेगी, लेकिन 146 लिस्ट गिरी है। उसके पहले ये वर्ग तीन का आप लोगों ने सुना होगा, वर्ग तीन की वैकेंसी निकली थी 12 साल बाद, वर्ग तीन की वैकेंसी निकली थी अपने मध्य प्रदेश में 12 साल बाद। उसमें से जब इन्होंने वैकेंसी खोली तो 17,000 में से 11,000 से 12,000 पद इन्होंने केवल और केवल एक विशेष वर्ग को दे दिए गए, एसटी जनजाति को दे दिए गए, और केवल और केवल 6,000 में पूरे मध्य प्रदेश की जनता खेल रही है, उसमें दिव्यांग भी है। मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आई, दिव्यांग बन गए कुछ व्यक्ति तो। अभी इसमें फर्जीवाड़ा निकला हुआ है वहां से, मतलब नौकरी लेने के लिए दिव्यांग तक बन गए बेचारे, जो दिव्यांग असली में दिव्यांग है वो बेचारे भोपाल के सामने डीपीआई के सामने धरना दे रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान उसके उनसे एक भी बार मिलने के लिए तैयार नहीं है। कितनी बड़ी बात हो गई सर, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पटवारी में दिव्यांग बन गए, दिव्यांग बन के सर्टिफिकेट लिए। आपके हिसाब से क्या लगता है कि आने वाले समय में सरकार किसकी बनेगी? अब आने वाले सरकार में सरकार चाहे जिसकी बने, एक चोर है तो कोई महाचोर है, बच्चों का जो है भविष्य दाव पे लगा हुआ है, वर्तमान बात करनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। और विधानसभा को लेकर के क्या विचार है? छतरपुर विधानसभा में काम कैसा हुआ है? मौजूदा विधायक आलोक चतुर्वेदी जी ने कैसा काम किया है? जी आलोक चतुर्वेदी जी ने अच्छा काम किया है, अगर उन्होंने किसी का बिगाड़ा नहीं है तो बनाया भी नहीं है, ये भी कह सकते हैं अपन। क्योंकि ये बताइए आप, इन लोगों के रहते हुए 5 साल से जो है मेडिकल कॉलेज का केवल और केवल बोर्ड लगा हुआ है वहां पर, और कुछ भी आगे प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, जबकि अपने बुंदेलखंड को कितनी आवश्यकता थी उस मेडिकल कॉलेज की, और वही मेडिकल कॉलेज दतिया के हमारे नरोत्तम मिश्रा जी ले गए, वहां पर तैयार भी हो गया और वहां पर वो सुचारू रूप से चलने भी लगा, यहां पर केवल अभी बोर्ड पकड़ा गए, सिर्फ बोर्ड पकड़ा गए यहाँ। और ये मेडिकल कॉलेज का भी तो
होना था अपने यहाँ पे खुलना था मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज का बोर्ड है, बोर्ड पकड़ा गए हैं, मेडिकल कॉलेज उन्होंने अपने यहाँ पे खोल लिया, जबकि यहाँ पे छतरपुर टीकमगढ़ पन्ना से लगा के अपना नौगांव मतलब आसपास की जनता के पास में कोई भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है, और ना ही यहाँ के व्यक्तियों को अगर हार्ट अटैक आता है या रात में कोई इमरजेंसी आती है तो दूर दूर तक कोई भी सुविधा नहीं है। लेकिन दतिया वालों को ये समझ में नहीं आया कि दतिया से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर ग्वालियर है और ये झांसी है 30 किलोमीटर दूरी पर, आपको क्या आवश्यकता थी वहाँ पे दतिया मेडिकल कॉलेज खोलने की। लेकिन उन्होंने रातों रात पूरा यहाँ पे पैसा ले गए और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोल लिया और छतरपुर का बोर्ड पकड़ा गया। ऐसा बिल्कुल बढ़िया छतरपुर। ये जो आप विधायक, रही बात आपने ये पूछा है कि यहाँ के नेताओं का कैसा क्या है, आगामी चुनाव आने वाली है, जब यहाँ के नेता अपने यहाँ की एनटीपीसी नहीं बचा सके, महाराजा कॉलेज जो 100 सालों से चला आ रहा था उसको नहीं बचा सके और मेडिकल कॉलेज नहीं ला पाए, तो यहाँ के नेता क्या करें। अच्छा, आपके हिसाब से एनटीपीसी जो शहर से गई है उसका दोषी कौन है? उसका दोषी यहाँ के नेता है, बिल्कुल सत्ता पक्ष या विपक्ष? बिल्कुल सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष को भी अब सत्ता ही पक्ष मानी जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल भाजपा सरकार का ही इसमें पूरा योगदान है, उन्होंने जो है कुछ नहीं किया छतरपुर के लिए, छतरपुर कुछ बिल्कुल कुछ नहीं किया, पैसा कमाने में लगे हुए हैं, बालू का पैसा, फलाने का पैसा, धमाके का पैसा, दारू का पैसा, बस बस। इस बार उन्हें पता चलेगा थोड़ा सा, जनता वोट देगी नहीं देगी क्या करेगी वो उन्हें पता चलेगा। क्या नाम है भैया आपका? दिव्यांश खरे। क्या करते हो भैया आप? मैं अभी फिलहाल तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं सिविल सर्विस। सिविल सर्विस दिया था पटवारी का? जी भैया दिया था। कितने नंबर है भाई आपके? भैया 90 नंबर है। 90 नंबर है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ। आपके हिसाब से क्या लगता है छतरपुर के विधानसभा में मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं? जी। चुनाव के टाइम पर सभी नेता सक्रिय हो जाते हैं जी। अब आने वाले समय में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी प्रदेश में और अपने शहर में कौन किस पार्टी का विधायक चुन रहा है? तो ये डिसाइड करना तो अभी मुश्किल है क्योंकि सभी नेता अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं, पिछली बार भी सरकार आएगी, बट हम तो बस यही चाहते हैं कि जिसकी सरकार आए शहर का भला हो, शहर का अच्छा हो। जो मेडिकल कॉलेज वाली बात भैया अभी कर रहे थे वो बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से हम कितने ही एग्जांपल हमारे पास है कि हम सुनते हैं पेपर में पढ़ते हैं कि झांसी रेफर किया गया और मऊरानीपुर के पास उन्होंने दम तोड़ दिया। हाँ। तो ऐसी कितनी हजारों मौतों के जिम्मेदार हैं लोग जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की घोषणा तो ही बटिया मनाने। अच्छा यार हमारे ये भाई साहब कह रहे थे पीछे ही निकल गए अभी, जी 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 बताएं। वो कह रहे थे पटवारी परीक्षाओं में लेकर के धान हुई है। बिल्कुल घोटाला तो हुआ है, जहाँ से इंदौर जैसी जगह जो इतना बड़ा पढ़ाई का हब है वहाँ से बच्चे इतने नहीं निकले जितने ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज से अकेले निकल गए, तो बिल्कुल इस बात की जांच होना जरूरी है। ऐसा। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला तो है कि नियुक्ति रोक दी गई है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसा। और जैसे अपने छतरपुर विधानसभा में क्या लग रहा है आपको, यहाँ की जो काम किए हैं विधायक जी ने कहा नहीं किए? जी विधायक जी ने अपन देख रहे हैं ये स्टेडियम में कितनी सारी लाइटें जल रही है, जो बच्चे प्रैक्टिस करने आ रहे हैं तो अच्छा ये विधायक जी ने। हाँ, और जैसे ही चुनाव आ गए तो अभी अपन देख भी रहे हैं बनी बनाई। यार तुम लोग टॉन्ट मार रहे हैं, सीधा सीधा बताओ ना। सीधे ही तो बता रहे हैं, मैं ये देख नहीं रहा हम बनी बनाई रोडों पर रोड डल गई है और जिन रोड पे एक बार सड़क नहीं डली वहाँ अभी भी खाली पड़ा है, और जो हमारी पन्ना रोड पे कितनी ही सारी पुलिया है, अराउंड 12-13 पुलिया है, कितने लोग उसमें मर गए लेकिन वो पुलिया अभी तक नहीं बन पाई, बट हाँ रोड जरूर बन गई वहाँ। रोड बन गए? जी हाँ, वो पुलिया नहीं बनी लेकिन रोड तो बन गई। ऐसा। तो आपके हिसाब से चाचा को कितने नंबर दोगे? चाचा को पूरे नंबर है रोड ना बनवाने के लिए। अच्छा ठीक है भैया। क्या नाम है भैया आपका? कुलदीप राय। आप क्या कर रहे हो यहाँ? तैयारी कंपटीशन की। काहे की तैयारी कर रहे हो? एमपी पुलिस की। अभी पटवारी का दिए रहे पेपर? नहीं दिया था। अभी अपना चालू किए हैं, 12th कंप्लीट किए हैं अभी। चलो बढ़िया भैया। अच्छा, कृष्णा यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं आप? विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष भैया। क्या नाम है आपका? संदीप सिंह यादव। संदीप सिंह। अच्छा, कांग्रेस के विधायक ने काम कैसा किया है और भाजपा सरकार ने काम कैसा किया है, जरा इस पर तो आप थोड़ा सा बता दें हमें। अब भाजपा सरकार ने तो देखो अभी योजनाएं चला रहे हैं मम्मा जी का, मम्मा की लाडली बहना योजना के कहाँ है विचार? तो योजनाएं वो चला रहे हैं, उनने योजनाएं चला दी क्योंकि तो ये कहा कि जब सरकार आएगी तब मिलेगा, उनने तो अभी कर दिया है। और विद्यार्थियों के लिए जो 12वीं पास उनके लिए 8,500 रुपए का वो फॉर्म भर रहा है। अच्छा। अभी वो सभी का भर रहा है कमौसी को योजना का। जी भी सिस्टम चला दिया है। तो मतलब सरकार भाजपा की बनने के लिए? नहीं जी नहीं, मैं कह रहा मतलब भाजपा तो कुछ भी बन सकती है, भाजपा की बन सकती है सरकार या कांग्रेस की बन सकती है, जी इसमें मतलब कोई क्लियर नहीं है, वो तो ऐसा है कि मतलब आपको जनता के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको अपने छतरपुर विधानसभा के अंदर जी अपने आलोक चतुर्वेदी जी का काम काज कैसा लगा, जो वर्तमान में मौजूदा विधायक? आलोक चतुर्वेदी जी का काम ठीक है बाकी, लेकिन उनको सत्ता ही में नहीं रहे, कुछ दिन रहे वो सरकार बदल गई तो कहाँ से वो काम करा दें, काम ही नहीं करा पाए।
और बाकी भाजपा का केंद्र का क्या बोलते प्रदेश का कार्य, भाजपा का प्रदेश का कार्य तो वहाँ भी लोग सभी लोग को दिख रहा है। तुम्हें क्या दिख रहा है तुम बताओ भाई साहब, हम तो कुछ नहीं, हम तो पूछने आए हैं भाई साहब। तो व्यक्तिगत तो जी है कि मतलब वो काम करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब वो चल रहा है। बाकी ये है कि जो मतलब कुछ गड़बड़ियां भी हो रही हैं भाजपा सरकार के द्वारा छात्रों के लिए, जो अभी मतलब वो परीक्षा हुई है पटवारी की में धांधली हुई है जी, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताओ वो जो बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वो पूजा शर्मा जी हैं जो पहले नंबर पर आई हैं, या पूजा शर्मा नाम है उनका, अब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उनसे ये नहीं बताया कि राजधानी कितनी है, केंद्र कितने हैं, जिले कितने हैं, बताओ ये कौन सी धांधली चल रही है। जिस सिस्टम गलत है, भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, कोई भी धांधली बंद होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सरकार नहीं आएगी, भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की। क्या नाम है भैया आपका? ओम ठाकुर नाम है। ओम ठाकुर, मैं यहाँ से नहीं हूँ, उत्तर प्रदेश से। अच्छा उत्तर प्रदेश से हो, लेकिन फिर भी बता दो यार कैसा लगा छतरपुर हमारा? छतरपुर बढ़िया है, लेकिन बढ़िया है सबसे सुन रहे हैं धांधली तो यही चल रहा है यहाँ पे मध्य प्रदेश में धांधली ऐसा सुन रहे हैं सबसे सबसे यही सुन रहा है। कोई नेता ऐसा किसी ने नहीं कहा कि हमारे यहाँ का नेता अच्छा है, सब करप्ट है सब बोल रहे हैं ऐसा। क्या नाम है भैया आपका, कुछ बोलना है क्या? हाँ दादा तुम बताओ। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? नाम है हाँ दादा हम पकड़े हैं तुम्हें कस्टिंग लेने। हाँ अरे जी क्या है, गुड्डू राजा है, अर्चना सिंह, हाँ पज्जन चाचा, हाँ इन्होंने पहले खोली पज्जन चाचा ने रसोई, हाँ। जनता के लिए एक रुपए में पेट भर खाना, हाँ। फिर इसके बाद उठाया ऑब्जेक्शन किसने, गुड्डू राजा ने, उनने खोला बोले थे एक रुपए क्या नाम है, हाँ। यानी वो तो थोड़ी शुल्क आ है, हाँ। उसमें एक रुपए का कोई नाम, इनने कर दिया फ्री, हाँ। तो यहाँ पे है 11 बजे से 2 बजे तक खवाते खाना, अच्छा फ्री में, हाँ, कौन? ए जे गुड्डू राजा और चाचा के यहाँ भी चलता है, हाँ, 1 रुपए से 12 बजे से 2 बजे तक। अच्छा लेकिन जितना काम बीजेपी ने किया है, हाँ, इतना नहीं कर पाया कोई नहीं, इसलिए कि मोदी ने जो है हर जगह लेंटर डरवा दिए, मकान बनवा दिए। अच्छा। आप जो बोल रहे हैं कि 1000 रुपए सही है कि 1500, हाँ, जैसे कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो 1500 तब मिलना है जब आ जाएगी, वो जब अगर नहीं आती है सरकार तो कैसे मिलेगा? तो कह रहे बाकी लाडली बहना योजना से जो पैसा ही मिले उसे प्रसन्न हो, हाँ उसे प्रसन्न है। छतरपुर में अपने विधायक जी ने काम कैसा करा है उसे प्रसन्न हो? विधायक जी का काम कम रहा थोड़ी, ये काम कम रहा इसलिए जनता के लिए खाना खोल दिया, मेन चीज जी है कि कोई नहीं खिला सकता भाई, सब्जी दाल चावल रोटी कोई नहीं खिला सकता, कम से कम नहीं तो रोज 1500 आदमी जाते हैं खाने के लिए, क्यों कहें उनने खाना खिलाया है, ऐसी बात नहीं है, ये काम उनने अच्छा किया है, उन्हीं के देख के गुड्डू राजा ने खाना खोल दिया बीजेपी, हाँ। वो 1 रुपए लेते हैं जिन ने फ्री कर दिया, हाँ। सो यहाँ भी ऐसे लोग लगे हैं, हाँ। कि आदमी देख देख के उन्हीं कैसे आए, उनकी कैसे खाना खा रहे, हाँ। क्या करते हो, हाँ। लैंड रजिस्टर नाम लिख लिया, हाँ। मोबाइल नंबर ले लिया, अच्छा अच्छा, हाँ अब जी बताइए आप नंबर लिख रहे, जब खाना खिलाना आपको तो नंबर क्या लिखना आदमी का, ना आपको ये पूछना चाहिए कि आप क्या है, कहाँ से आए, कहा है, क्या काम करते हो, हाँ हाँ। अब वो वहाँ चाचा के यहाँ जे नहीं है, चाहे हाँ। कोई भी हो कहीं का व्यक्ति हो, हाँ। तभी जे नहीं पूछते, लेते हैं नाम मोबाइल नंबर लेते हैं, बाकी जे नहीं पूछते, हाँ। कि भाई एक खाना में कहता खाना अच्छा बन रहा है, हाँ। ऐसी बात नहीं है, बढ़िया खाना खिला रहे हैं। तो हम आप तो हमें जो बताओ कि आपके हिसाब से छतरपुर में को जीत है, भाजपा की कांग्रेस? वैसे आना तो चाहिए बीजेपी अभी एक बार और, अच्छा हाँ अभी एक बार और आना चाहिए। क्या नाम है भैया? श्रीराम अवस्थी। कहाँ से हो? हम यही छतरपुर से ही है। छतरपुर से एक छात्र है, अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, काहे का एग्जाम? अभी मैंने पटवारी का एग्जाम भी दिया था, हाँ। तो बस यही कहूंगा कि मामा जी और तो आप जैसे काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खेलना ये शायद सबसे बड़ा पाप का काम है। आप नहीं जानते हैं आप कितने बड़े पाप के भागीदार बन रहे हैं। मैं एक खुद छात्र हूँ तो अपना अनुभव बता रहा हूँ, जिस प्रकार का संघर्ष होता है पढ़ने के लिए आना, पॉकेट मनी हैंडल करना, घर की स्थिति देखना, उसके बाद पढ़ाई करना, इसके बाद आपकी 2 या 3 नंबर वेटिंग रह जाती है, तो उसका मुख्य रूप से निश्चित रूप से जो ये फर्जीवाड़ा हुआ है वही कारण रहता है। और जो और केवल ये यहीं तक सीमित नहीं है, जो अयोग्य व्यक्ति को यदि आप पद पे बैठाते हैं तो जब तक वो रहेगा आजीवन अयोग्य सर्विस देगा, तो निश्चित रूप से भविष्य तो खराब छात्रों का हो रहा है, प्रदेश भी पीछे पिछड़ रहा है, क्योंकि योग्य की जगह पे अयोग्य आ जाएगा तो निश्चित रूप से प्रदेश भी पीछे पिछड़ेगा, अपना राष्ट्र भी पीछे पिछड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि आप छात्रों का भविष्य तो
चौपट कर ही रहे हैं, साथ में उनके आशाएं, उनके परिवार की आशाएं, उसकी महत्वाकांक्षा, एक छात्र के साथ उसका पूरा परिवार जुड़ा रहता है, यानी कि 15-20 लोग अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक छात्र पर आधारित होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत हुआ है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, खुली किताब है, कोई भी वाचन कर सकता है, फर्जीवाड़ा हुआ है, स्पष्ट है, चाहे आप NRI कॉलेज को उठा के देख लें या फिर एक सागर का भी कॉलेज देखने को मिल रहा है। और अभी लल्लन टॉप वाले जो न्यूज वाले हैं, बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है, जो टॉपर्स हैं उनसे डायरेक्ट मिलवाया है, प्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप किए, तो उसमें स्पष्ट उजागर हो गया कि फर्जीवाड़ा हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, किसी भी प्रकार की राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक इशू नहीं है, फर्जीवाड़ा है ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। अच्छा आप हमें एक बात बताओ, कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है, अब काम कैसा किया है? देखो अभी यही कहेंगे, मैं तो यही रहता हूँ, तो टक्कर तो कांटे की ही रहेंगे, दोनों ही प्रत्याशी अपने आप में दिग्गज है। भाजपा का तो अभी प्रत्याशी नहीं पता, नहीं ना कांग्रेस का जो पुष्पेंद्र प्रताप अर्चना लगता है, जैसे जो और चाचा जी का मैं बताऊं, जहां तक उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, चाहे आप उनकी जन रसोई को उठा के देख लें, इसके बाद बुजुर्ग लोगों के लिए वो हॉस्पिटल की सुविधा भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे आप नेत्र के लिए देख लें, और अभी उन्होंने भोपाल से बहुत सारे डॉक्टर भी बुलवाए थे, सभी प्रकार के चेकअप भी करवाए थे, तो वो भी व्यक्तिगत रूप से, वैसे उनकी सरकार तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और गुंडागिर्दी भी देख लें तो हमें लगता है कि स्तर शून्य है, यानी कि किसी भी प्रकार की धांधली देखने को नहीं मिल रही है। और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि विधायक जी के आदमी हैं, तो मतलब किसी प्रकार का ये देखने को नहीं मिल रहा है कि किसी प्रकार की गुंडागिर्दी होती है, गिर्दी नहीं है, अब उनकी सरकार नहीं है, तो ये जरूर कह सकते हैं कि उतना विकास नहीं हुआ, विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बहुत काम किया, जन रसोई ने ना जाने कितनों की जीवन बदला है, कितने लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे आप टैक्सी वाले देख लें, रिक्शा वाले देख लें, दिन के 200 रुपये कमाते हैं, 200 रुपये खर्च हो जाते थे, परिवार के लिए 0 रुपये बचता था, आज वो वहाँ खाना खाते हैं, 200 रुपये बचाते हैं और उनके बच्चे बेहतर शिक्षा पा रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या मूलभूत आवश्यकता पे काम किया, तो हमें लगता है बहुत ही अच्छा है। भैया आपका? मेरा नाम आशीष पटेल है, मैं बिजावर विधानसभा से हूँ। बिजावर विधानसभा, विधानसभा में विधायक जी ने काम कैसा करा है? वो प्रसन्न नहीं, प्रसन्न बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल प्रसन्न नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्या हो गया? ऐसा ऐसा कुछ किया ही नहीं, कोई भी काम नहीं किया, कुछ अलग नहीं किया, ऐसा जो नॉर्मल सब करते हैं वही किया है, ऐसा हाँ ना, कोई छतरपुर मतलब सटाई में स्टेडियम बनने की बात हुई थी वो भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं, 1 करोड़ रुपए आया था उसका, वो भी खा लिया, वो भी कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हो? मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, अग्निवीर की, अग्निवीर की, और मैं अग्निवीर से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ, अग्निवीर से प्रसन्न नहीं हूँ, नहीं। काहे भैया? 4 साल की जॉब कोई मायने रखती है? आप बताइए, 4 साल बाद आप घर जाओगे, उसके बाद क्या करोगे? और ये 2-4-10 लाख रुपए दे के क्या क्या साबित करना चाहते हैं? क्योंकि अब जैसे हम तो चाहेंगे कि अब चेंज हो कांग्रेस, मतलब सरकार चेंज हो, ताकि मतलब कुछ बात है कि मतलब कांग्रेस कह रही है कि हम अग्निवीर को पूरा परमानेंट कर रहे हैं और ये 4 साल की मतलब बंद कर रहे हैं, ये कहने को। क्या अजय देवेन, कितने कौन सी क्लास में हो? बीएड हो गया। अच्छा, बीएड हो गया। हाँ। भाई देखो कितना जवान लग रहा है लड़का, देखने में लगता ही नहीं है कि बीएड होगी लड़के की। बीएड में बहुत घोटाला, बीएड में भी घोटाला है, SC के नाम पे इसको लगाती है, ऐसा हर कॉलेज वाले नियम बनाए कि 60-70 से नीचे तुम्हारे होना नहीं है। अब जैसे हमें स्कॉलर मिलती है सरकार द्वारा, वो ये कॉलेज वाले खा लेते हैं पूरी, कॉलेज वाले खा जैसे उसकी अभी पटवारी का पेपर दिया था तुमने? दिया था हमने। कितने नंबर आए? 102 नंबर आए। अभी टीचिंग का भी एग्जाम दिया है, 2 विषय से डाला था, दोनों में क्वालिफाई है, ऐसा एक में 95 और एक में 78। इसमें भी घोटाला है, इसमें लाडली योजना बनाई जो उसने, हाँ। उसमें सबसे बड़ा घोटाला है, लाडली वृद्धा पेंशन योजना है, उसमें 600 रुपए मिलते हैं महिलाओं को, हाँ। उसमें से उन्हें सिर्फ 400 रुपए दे रहे इस लाडली योजना में से, यानी 600 रुपए जो खा रहा है, 600 रुपए जी खा रहे हैं, वृद्धा पेंशन खा रहा है, यानी जो वृद्धा पेंशन उसको 600 रुपए पहले से मिलते। अच्छा, कौन खा रहा है पेंशन? सरकार। मम्मा के पुलाव है चुनावी, मम्मा के पुलाव है, जैसे अभी टीचिंग की जगह दी है उन्हें, साइंस विषय में 66 और समाज विज्ञान में 94 की जगह हमारे गांव में एक एक टीचर पे स्कूल टका है, कैसे पढ़ेगा गांव बताओ। अच्छा, मैं जो बताओ, तुम छतरीपुर से हो? नहीं, हम इस विधानसभा से नहीं, इस विधानसभा से नहीं। कौन सी विधानसभा? खरगापुर से। खरगापुर, टीकमगढ़ जिला। टीकमगढ़ में कहाँ है हाल? टीकमगढ़ में कुछ जीत रहा हूँ, टीकमगढ़ में अभी कांग्रेस के भाजपा सफेद तो बताओ, तो अभी तो नहीं बता सकते, अच्छा लग रहा है काम की को, अच्छा लग रहा हूँ हमारे विधानसभा में खरगापुर में राहुल सिंह लोधी। तुम्हारे हिसाब से राहुल सिंह लोधी अभी मतलब वहाँ पे विधायक हैं? अच्छा, जो भी बनता है सब
लूट लेते हैं पूरे। सब लूट लेते हैं। वहाँ पर बिल्कुल ही काम नहीं होता है राहुल सिंह के द्वारा। सर जो कॉलेज थी ना वहाँ बल्लेवगढ़ की कॉलेज है जो उन्होंने सर उसकी अभी तक बिल्डिंग नहीं बनवा पाई। अच्छा सर अच्छा, स्कूल में कॉलेज चला रहे हैं वे लोग। बड़े बड़े आदमियों को साथ लेते हैं राहुल सिंह लोधी। और फिर जब चुनाव चल रहा है अभी देखो हर जगह कार्यालय खुल गया उन्होंने। एमपी में सबसे भ्रष्टाचार उच्च लेवल पर खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में है सर। अच्छा अच्छा मैं ये बताओ तुम छतरपुर कहे लिए आए हो? सर हम लोग तैयारी करते हैं छतरपुर से। तैयारी कर रहे जी सर। छतरपुर में आप जैसे छतरपुर में आए हो कैसा लगता है? छतरपुर में विकास दिख रहा है आपको? जी सर वहाँ टीकमगढ़ से बहुत ज्यादा सर विकास है। टीकमगढ़ से ज्यादा विकास छतरपुर में। तो देखा आपने हमारे शहर के जो नौजवान युवा है उनकी समस्या सिर्फ एक है। कहता है वोटर की टीम जब उनसे बातचीत करने पहुंची तो उनका कहना था कि हम अग्निवीर योजना से परेशान है, हम पटवारी परीक्षा से परेशान है। उनका कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार कर रही है और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से नाखुश है जनता।